अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ ट्यूब में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, औरत के पस्तान चूसना जायज़ है या नहीं, सबसे पहले इस बात पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का ओढ़ना और बिछोना है, यानी बीवी को अपने शौहर के लिए और शौहर को अपनी बीवी के लिए हलाल कर दिया। एक और जगह फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है, हर वो काम जो इखलाक के दायरे में रहकर किया जाए वो जायज़ है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अंग्रेज़ों की तरह गलीज काम करना शुरू कर दें। बीवी के पस्तान चूसने के बहुत से फ़ायदे हैं, यहाँ मैं आपको सिर्फ 7 ऐसे ज़रूरी फ़ायदे बताऊँगा जो पहले कभी शायद ही आपने सुने होंगे। शौहर का बीवी के पस्तान चूसना मर्द और औरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि ऐसा करने से बीवी ज़्यादा देर तक जवान रहती है। नंबर 2 पर आता है कि मियाँ और बीवी दोनों को बे इंतहा जिंसी सुकून मिलता है और इससे मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा जो अहम फ़ायदा है कि बीवी को भी जिंसी सुकून हासिल होता है और वो जल्दी अंजाल कर जाती है। बहुत से लोगों ने यह तजर्बा किया कि 5 मिनट तक मुसलसल ऐसा करने से बीवी सिसकने और मज़े से तड़पने लगती है, लेकिन अगर 5 मिनट एक साइड पर दिए हुए तो 5 मिनट है, दूसरी साइड पर आप दें तो और उसके बाद दखूल करें तो बीवी 1 मिनट से पहले ही अंजाल हो जाएगा बीवी का। इसका चौथा सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा है कि एक नॉर्मल हालत में बीवी 1 मिनट में जो सांस लेती है, जबकि आप ऐसा करते हैं तो उसके सांस लेने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिससे उसको सुकून हासिल होता है। जो पांचवा बड़ा फ़ायदा है, पस्तान को चूसते चूसते बीवी की जो दिल की धड़कन है वो 120 तक चली जाती है, और ऐसा करने से दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, दिल की सेहत बहुत अच्छी रहती है। छठा बड़ा और अहम फ़ायदा है, इससे बीवी का वज़न कम होता है, क्योंकि 10 मिनट तक मुसलसल ऐसा करने से उसके 50 कैलोरीज ज़ाया हो जाते हैं। 7वें नंबर पर इसका जो बड़ा फ़ायदा है कि खून की गर्दिश तेज़ होने से जिल्द कुदरती तौर पर चमकदार होती है। ये जो ऐसे फ़ायदे थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।